Hello students and Jai Hind, I welcome you all to Magnet Brains. So, in the last lecture, we saw ki Mughal Empire mein aapka jo provincial level hai, prantiya level hai, us par kis tarike se hamara karobar chal raha tha, kis tarike se jo hai, state apna administration chala rahi thi, apna prashashan chala rahi thi, kya unka pura mechanism tha, kaun-kaun se important officers the, kya samasyaen aati thi aur kya cheezon ka dhyan rakha jata tha jab prashashan wagaira wahan par chalaya jata tha. Aaj usi baat ko hum log aage badhayenge aur aaj hamara jo aaj hum logon ko is session mein discussion jo karna hai, humko ye dekhna hai ki Mughal Empire ke saath mein jo us waqt ke dusre empire थे उनका और मुगल एम्पायर का किस तरीके का रिलेशनशिप था, किन बातों के ऊपर वो रिलेशनशिप बेस्ड थे और किस तरीके से ये लोग एक दूसरे के साथ में अपने आप को कंडक्ट किया करते थे. इस पर्टिकुलर लेक्चर को पढ़कर हमको ये समझ में आएगा कि जैसे आज की तारीख में अलग अलग देशों के डिपेंडिंग अपॉन कि उनके बीच में किसी तरीके का विवाद है नहीं है या फिर किस तरीके का आपका कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके की इंटरडिपेंडेंस है, उसके ऊपर उनके रिलेशनशिप डिफाइन होते हैं. जैसे पाकिस्तान के साथ में हमारे रिलेशनशिप ऑल टुगेदर खराब है, उसके अपने कुछ हिस्टोरिक रीजन है और उनके साथ हमारा कोई खास ट्रेड वगैरह भी नहीं होता. चाइना के साथ में अभी हमारी तनातनियां जो है वो चल रही हैं या फिर उनके साथ में बीच में आपके विवाद वगैरह होते रहते हैं, बट उनके साथ में अगर आप देखोगे तो हमारा ट्रेड जो है वो 100 बिलियन के आसपास जो है वो पहुंच रहा है. तो उनके साथ में अलग तरीके के रिलेशनशिप्स हैं. बांग्लादेश के साथ अलग रिलेशंस हैं, आपके जो श्रीलंका है उसके साथ में अलग रिलेशनशिप्स हैं, म्यांमार के साथ में अलग तरीके के रिलेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में अलग रिश्ते हैं और आपके फ्रांस के साथ अलग हैं, रशिया के साथ में अलग हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके की हमारी कैसी क्या इक्वेशन है, कितनी जरूरत है, कितना इंटरडिपेंडेंस है, उसके बेसिस पे अलग अलग देशों के साथ में हमारे आज के अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं. तो इसी बात को हमको उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर्सपेक्टिव से समझना है कि जब आपके जो देश वगैरह हुआ करते, ये जो देश का कंसेप्ट है, आज नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है, ये नहीं हुआ करता था. जब अंपायर्स हुआ करते थे तो अंपायर्स का एक दूसरे के साथ में किस तरीके का रिलेशनशिप था, किस तरीके से उनका आपस में उठना बैठना था, किस तरीके से एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन था, वो सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. और जो पहला अंपायर जिसके साथ में हमको मुगल्स के रिलेशनशिप्स देखने हैं वो है सफाविद. सफाविद एम्पायर ईरान में था, इनके साथ में मुगल्स के कैसे रिलेशनशिप्स थे, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे. तो जो आज का पहला टॉपिक, आज का जो टॉपिक रहेगा इस लेक्चर में वो है बियॉन्ड द फ्रंटियर्स. बियॉन्ड द फ्रंटियर्स जो टॉपिक एनसीईआरटी में है, इसमें बेसिकली अपने को क्या देखना है, बड़े बड़े एम्पायर्स मुगल्स के टाइम पर जो थे और प्रोमिनेंट एम्पायर्स और उसके साथ में इनके रिलेशनशिप्स. पहला एम्पायर कौन सा है, सफाविद एम्पायर. तो सफाविद एम्पायर का जिक्र तो बाबर के टाइम पीरियड से आ रहा है. हुमायूं जो थे वो जब उनको शेरशाह सूरी ने हरा दिया तो ईरान भाग गए और वहां पे सफाविद रूलर जो थे उन्होंने उनकी हेल्प करी, 15 एक साल वहां पे रहे, उसके बाद में फिर लौट कर आते हैं, सारी चीजें हमने देखी थी. इसी तरीके से अगर आप बाद में बात कर लेते हैं औरंगजेब के टाइम पीरियड में, तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में उनके जो शहजादे हुए थे प्रिंस अकबर, जब उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और जब रिवोल्ट कामयाब नहीं हुई औरंगजेब के खिलाफ, तो वो भी भागकर ईरान चले गए, सफाविद रूलर्स ने उनको भी रख लिया. तो यहां पर एक चीज हम लोग ये देख रहे हैं कि सफाविद रूलर जो है इन पैरेलल मुगल डायनेस्टी के साथ में या फिर मुगल एम्पायर के साथ में ईरान के ऊपर रूल कर रहा था और इनका भी एम्पायर जो है प्रोलॉन्ग था, काफी लंबे वक्त तक ये एम्पायर चला है. तो इनके और आपके जो मुगल्स हैं इनके बीच में जो रिलेशनशिप्स थे वो किस तरीके के थे वो हम लोग देखेंगे. जो टॉपिक है द सफाविद एंड कांधार, इसमें ये भी समझ में आएगा कि कांधार को लेके किस तरीके से इनके बीच में विवाद थे या क्या इनका बोन ऑफ कंटेंशन था. पहले तो ये देखिए, आपके जो सफाविद रूलर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हुआ करते थे, मोर और लेस वही आपके कपड़े हैं जिस तरीके के मुगल्स पहना करते थे, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ में. एक फोटो और दिखाते हैं आपको, ये देखिए एक और ये सफाविद रूलर है. अब इनकी पगड़ी जो है वो थोड़ी सी अलग है, ये ईरानियंस आज भी इसी से मिलती जुलती कुछ पगड़ी पहनते हैं उनके मुल्लाज वगैरह, मगर इनकी जो पगड़ी है थोड़ा सा अलग है, इनके जो कपड़े पहनने का स्टाइल है वो भी थोड़ा सा अलग है, बट मोर और लेस उसी तरीके का फैशन सेंस इनका भी था जिस तरीके का अपना मुगलों का चला करता था. चलें जी, तो अगर आप सफाविद रूलर्स की बात कर लें जो ईरान पे रूल करते थे और अपने मुगल्स की बात कर लें, तो इनके बीच में पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो थे, आप सफाविद आपके जो अंपायर की बात कर लीजिए ईरान में चलने वाले या तुरान में चलने वाले, इनके जो आपके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स थे वो एक बात के ऊपर हिंज थे या फिर एक बात के ऊपर डिपेंड करते थे कि भाई जो आपके आपका जो अफगानिस्तान का इलाका है जो आपका सेंट्रल एशिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अलग करता है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा. ठीक है जी, ये लाइन एक बार पढ़ते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे. पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन मुगल्स एंड ईरान एंड तुरान हिंज्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ फ्रंटियर्स डिफाइंड बाय हिंदू कुश माउंटेन्स दैट सेपरेटेड अफगानिस्तान फ्रॉम ईरान एंड सेंट्रल एशिया. मतलब ये कि अफगानिस्तान का एक इलाका पड़ता है जहां पर एक खास तरीके के माउंटेन्स आते हैं जिनको बोला जाता है
हिंदू कुश माउंटेन्स। अब ये हिंदू कुश माउंटेन का जो इलाका है, ये अफगानिस्तान को या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आप कह सकते हैं फाइनल फ्रंटियर्स वगैरह को ईरान और सेंट्रल एशिया से अलग कर देता है। यानी कि आपने हिंदू कुश क्रॉस किया, अफगानिस्तान आप पहुंचे, आपने हिंदू कुश क्रॉस किया, तो अब आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर हो गए और अब आप पहुंच गए हैं सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में पहुंच गए। मध्य एशिया की शुरुआत यहां से हो गई है, ईरान तुरान और ये सारा इलाका लग गया। अगर आप ईरान या तुरान से चले और आपने हिंदू कुश क्रॉस करके आप अफगानिस्तान में आ गए, तो अब आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हैं, अब आप सेंट्रल एशिया में नहीं है, अब आप मध्य एशिया में नहीं गिने जाएंगे। कहने का सेंस ये है, जिस तरह से आपकी आज की तारीख में आप देश की बॉर्डर्स वगैरह होती हैं, फ्रंटियर्स होते हैं, नेचुरल फ्रंटियर्स की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान के जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं वो एक नेचुरल फ्रंटियर है जो आपके ईरान और सेंट्रल एशिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अलग करता है। तो हिंदुस्तान में जितने हमले हुए हैं, जितने आपके इन्वेडर्स वगैरह बाहर से आए, जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, हर इन्वेडर को हिंदुस्तान में, अगर जो सेंट्रल एशिया से उठकर आया है, मध्य एशिया से उठकर आया है, कहीं और से उठकर आया, अरब्स वगैरह जितने भी थे, जो भी हिंदुस्तान में अंदर इन्वेडर आया है, उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करने के पहले आपका हिंदू कुश की इन पहाड़ियों को क्रॉस करना पड़ा है, तभी जाके वो नॉर्थ इंडिया पहुंच सका। हिंदू कुश की पहाड़ियां क्रॉस करी, अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से पंजाब, पंजाब से फिर आपका दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में आ जाते थे आपका हरियाणा, दिल्ली और ये सारा इलाका वगैरह जो यूपी वगैरह तक। तो पॉइंट यह है, हर वो इन्वेडर जिसने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा है, जो नॉर्थ के इलाकों से या सेंट्रल एशिया के इलाकों से आया है लड़ने के लिए, उस सबको जो है हिंदू कुश क्रॉस करना पड़ता था। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने हिंदू कुश पे अगर पे कंट्रोल रखा, अगर मैं सेंट्रल एशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हिंदुस्तान में आना आसान हो जाएगा। अगर मैं हिंदुस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर आपने कंट्रोल रखा हुआ है, अगर आपने पूरी तरीके से जो है कंट्रोल में रखा हुआ है आपने हिंदू कुश माउंटेन्स को, तो उस केस में अगर कोई वहां से बाहर से आ रहा है तो फिर उनको रोकना आसान हो जाएगा। तो पॉइंट यह है, ईरान के साथ में, तुरान के साथ में, सफाविद अंपायर के साथ में, मुगल अंपायर का जो रिलेशनशिप था वो इसी बात के ऊपर बेस्ड था। उनका जो सेंट्रल बोन ऑफ कंटेंशन था वो यही था कि हिंदू कुश की पहाड़ियों को या फिर ये जो नेचुरल फ्रंटियर है, इस नेचुरल फ्रंटियर को जो आपके मध्य एशिया को या फिर सेंट्रल एशिया को, ईरान को, तुरान को हिंदुस्तान से अलग करता है, इसके ऊपर आखिर कंट्रोल किसका होगा। सफाविद बोलते थे कि हम लोग कंट्रोल करेंगे, मुगल्स बोलते थे कि हम लोग इसको कंट्रोल में रखेंगे। तो इस बात को लेके एक कांस्टेंट जो है लड़ाई वगैरह इनके बीच में होती रहती थी, इस बात को लेके ये जो एक कांस्टेंट जो है लड़ाई आपकी होती रहती थी, क्योंकि मुगलों की पॉलिसी ये थी कि भैया कुछ भी हो जाए मध्य एशिया वालों को अपने को अंदर नहीं घुसने देना है आसानी से, हिंदू कुश की पहाड़ियों पे, इस नेचुरल फ्रंटियर पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और इस पे कंट्रोल रखने के लिए आपको जरूरी यह था कि दो शहर पड़ते थे, दो स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट थे आपके, काबुल और कांधार, ये आपके कंट्रोल में होने चाहिए। अगर काबुल और कांधार आपके कंट्रोल में है तो फिर आप हिंदू कुश की पहाड़ियों पर इफेक्टिवली अपना कंट्रोल रख सकते हो। अगर काबुल और कांधार आपके हाथ से निकल गए तो हिंदू कुश की पहाड़ियां आपके हाथ से चली गई। हिंदू कुश की पहाड़ियां अगर आपके हाथ से चली गई तो फिर जो भी इन्वेडर है वो उसी तरीके से अंदर एंटर कर जाएगा हिंदुस्तान में, जिस तरीके से पार्क में हरी हरी घास पर चलना होता है, उतना आरामदायक तरीके से आपका कोई भी इन्वेडर हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखेगा और सल्तनत मुगलिया को चैलेंज कर देगा। तो मुगल्स का कुल मिला के पॉइंट ऑफ व्यू यह था कि कुछ भी हो जाए हमको काबुल और कांधार जो है इनको अपने कंट्रोल में रखना है, काबुल और कांधार किसी भी तरीके से हमारे हाथ से बाहर नहीं जाने चाहिए। और जो आपके दूसरे लोग थे सफाविद वगैरह, वो भी लगभग यही चाहते थे कि काबुल और कांधार हमारे पास होना चाहिए ताकि हिंदुस्तान में अंदर आना जाना आसान हो जाए। तो कुल मिला के हमको यहां से एक बात समझ में आती है कि काबुल कांधार जो है उसमें भी खासतौर पर अगर आप कांधार की बात कर लें तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन था। बेसिकली एक छोटा सा शहर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर पूरा का पूरा आपने किलेबंदी कर रखी है, फोर्ट्रेस टाउन था और यहां पर आप अपनी ट्रूप्स वगैरह को जो है रखा करते थे। कांधार क्योंकि हिंदू कुश के ज्यादा पास पड़ता है और कांधार में अगर आपने अपनी मिलिट्री कंटेंजेंट रख रखी है तो उससे हिंदू कुश की जो है निगरानी करना ज्यादा आसान हो जाता था, उसके ऊपर जो है नजर रखना, वहां पे पेट्रोलिंग करना ज्यादा आसान हो जाता था। नतीजा ये निकलता था कि अगर कोई इन्वेजन करने आ रहा है, अगर आप लड़ नहीं सकते उससे तो कम से कम आप पीछे खबर दे दोगे, सामने वाला तैयार हो जाएगा, जब तक ये लोग यहां से क्रॉस करके पहुंचेंगे तब तक आप तैयार बैठोगे। दूसरा यह है कि अगर सामने वाला आ रहा है और आपको खबर लग गई कि हिंदू कुश इतने दिनों में पहुंचेंगे, आप पीछे से पहुंचे बुला सकते हो और उनको हिंदू कुश पे जो है काउंटर कर सकते हो, क्योंकि हिंदू कुश क्रॉस करना आसान नहीं था। आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठे हुए हो, यहां से आप इनसे आसानी से लड़ सकते थे। तो पॉइंट यह है, जिसके हाथ में आपका कांधार रहेगा उसके हाथ में हिंदुस्तान में या तो हिंदुस्तान से बाहर जाने वालों को रोकने की चाबी रहेगी, हिंदुस्तान में अंदर आने वालों को रोकने की चाबी रहेगी, या अगर जिसके हाथ में कांधार रहेगा बाहर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हिंदुस्तान अंदर आने में कोई खास मुश्किल नहीं आएगी। कांधार को लेकर खास तौर पर बहुत जबरदस्त जो है एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटिशन था, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था। मुगल चाहते थे अपने कंट्रोल में रखें और ईरानियन चाहते थे सफाविद वगैरह कि इनको कंट्रोल, इसको अपने कंट्रोल में रखा जाए।
बाद में हुआ ये कि ये जो फोर्ट्रेस टाउन था, जब हुमायूं ने अपना एम्पायर वगैरह बनाया तब इसको अपने कंट्रोल में लेकर आ गए, इन्होंने कांधार को अपने कब्जे में लिया। मगर हुमायूं के जाने के बाद में फिर आपके जो सफावित थे उन्होंने फिर इस पर हमला किया और कांधार का इलाका, ये आपका कांधार जो है इसको कब्जे में रख लिया। कांधार कब्जे में आने का मतलब है हिंदू कुछ आपके कदमों में गिर गया, अब आप यहां से जो है जो अंदर आओगे जहां लूटमार करना चाहो कर सकते हो, कोई इशूज वगैरह नहीं है। बाद में अकबर ने 1595 में कांधार को फिर जीता था, रिकॉन्कर किया था, और उसके बाद से फिर अकबर के टाइम पीरियड तक ये लोग बैठे रहे यहां पे। हालांकि अब ये मुगल्स के कंट्रोल में आ गया, सफाविद ये बोल रहे हैं कि हम लोग रखेंगे, मुगल्स ये बोल रहे हैं कि हम रखेंगे, लड़ाइयां हुई, अकबर ने इसको फिर से जीत लिया। मगर इसके बाद में भी ये नहीं था कि सफाविद अंपायर जो था इस बात के ऊपर मुगलों के साथ में खार खा के बैठ गया, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने रिश्ते बना के रखे थे, सफाविद अंपायर ने जो है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स राजनीतिक रिश्ते बनाकर रखे, अपना जो एंबेसडर है मुगल कोर्ट में भेजा, मुगलों ने अपना जो एंबेसडर है वो सफाविद के कोर्ट में भेजा हुआ था, और रिलेशनशिप वगैरह चल रहे थे मगर तनातनी बनी हुई थी। सफाविद बोलते थे कि हमारा क्लेम है कांधार के ऊपर और आज नहीं तो कल हम इसको वापस लेंगे, मुगल्स बोलते थे कि हम कांधार किसी कीमत में वापस नहीं करेंगे, और इस बात को लेके विवाद होता था, लड़ाइयां हुई, आगे भी होंगी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मगर इसको लेके एकदम रिश्ते ऐसा नहीं है कि हम तुमसे बात नहीं करते, हम तुमसे बात नहीं करते, दोनों ने अपने अपने राजदूत भेज रखे हैं, बाकायदा बाकी सारी चीजें हो रही है, ट्रेड हो रहा है, बाकी सारे रिलेशनशिप्स हैं, मगर ये बोल रहे हैं कि कांधार आज तुम्हारे हाथ में, सफाविद इनसे बोल रहे हैं कि आज तुम्हारे हाथ में, मगर ये हमारा है, हम इसको लेके रहेंगे। मुगल्स बोलते थे कि कुछ भी हो जाए हम इसे वापस नहीं करेंगे, हम इसे नहीं देंगे, इसमें हमारा कंट्रोल रहेगा। इस बात को लेके इश्यूज वगैरह होते रहते थे। तो अकबर के टाइम पीरियड तक तो खैर ये लोग कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद आपके जहांगीर आए तो जहांगीर के साथ में फिर वो रिलेशनशिप्स वगैरह इस बात को लेके खराब हो रहे थे। 1613 में फाइनली जहांगीर ने बोला इसका कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक मिशन जो था उसको भेजा, एक डिप्लोमेटिक इन्वॉय जो है, उस वक्त के जो आपके सफाविद रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था शाह अब्बास, इनके दरबार में एक अपना डिप्लोमेटिक मिशन भेजा और उनको इस बात के लिए मनवाने के लिए मिशन भेजा था कि भैया मान लो हमारी बात, मुगल को जो है कांधार रिटेन करने दो, तुम्हारा आना जाना जो है हम लोग नहीं रोकेंगे, बाकी सारी चीजें, बट हमें डर है कि यहां से हम पे हमला हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं देने वाले, अब हमारी बात समझो, इसको लड़ने का कोई मतलब नहीं है। शाह अब्बास ने अपनी जो भी बातें रखी होंगी, फाइनली मिशन फेल हो गया, डिप्लोमेसी वगैरह काम नहीं आई। बाद में 1622 की जो गर्मी की जो सर्दियां थी उसमें एक पर्शियन आर्मी आई और उन्होंने कांधार पर हमला किया, कांधार के चारों तरफ सीज या घेरा डाला और इसको कब्जे में ले लिया। अब मुगल अंपायर जो मुगल आर्मी जो थी वो उतना ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी, ये लोग जो भी वजह रही है इनका गैरिसन वगैरह जो था वहां पे मिलिट्री जो बैठा रखी थी इन्होंने वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थी। नतीजा ये निकला कि इनकी जो फोर्सेस थी वो हार गई और इनको सफाविद वगैरह के सामने अपना जो ये फोर्ट्रेस था, जो किला था वो और जो शहर था उसको सरेंडर करना पड़ा। इस तरीके से आपका जो ये कांधार है फिर से आपके हाथ से निकल के ईरानियन के हाथ में चला गया। बाद में फिर लड़ाइयां होती रही, बोन ऑफ कंटेंशन बना रहा चीजें, मगर जो थी ये खराब होते इस बात एक कांधार को लेके, मगर ये नहीं हुआ कि ईरानियन के बीच में और आपका जो या जो सफाविद से इनके बीच में और आपके जो मुगल से इनके बीच में एकदम कट्टी हो गई हो, ऐसा नहीं था कि बातचीत होती नहीं थी, रिश्ते नहीं थे, रिश्ते रहे मगर कांधार को लेकर लड़ाइयां चलती रही, नाटक होते रहे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक जो तस्वीर दिखाई गई है, ये तस्वीर में आपको दिखाया गया है कि जो आपके जहांगीर हैं और शाह अब्बास हैं, ये दोनों एक दूसरे के गले लग रहे हैं। अब ये जो तस्वीर है एक पेंटर ने बनाई थी जिनका नाम था अबुल हसन, जहांगीर ने इनको कमीशन किया था कि भाई ये पेंटिंग वगैरह बनाओ, और ये पेंटिंग बनाई गई है जहांगीर के द्वारा देखे गए एक सपने के ऊपर, जिसमें उसने ये देखा था कि ये शाह ईरान से वो मिले हैं और दोनों एक दूसरे से गले लग रहे हैं, और आपके जो बात आपके दोनों का जो मिलने से इनके पीछे जो स्पिरिचुअल हैलो है ये एकदम अच्छा खासा बड़ा हो गया है, और दोनों बादशाह जो है एक दूसरे के साथ में बढ़िया अच्छे तरीके से प्यार से मिल रहे हैं। अब ये जो है एक इंडिकेशन है कि मुगल्स सफाविद के साथ में किस तरीके के रिश्ते चाहते थे। दोनों बादशाहों की आपस में कभी एक्चुअल में मुलाकात नहीं हुई है, मगर यहां पर ये जो सीन दिखाया जा रहा है कि एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, ये सीन पेंट करवाया जहांगीर ने है ये बोल के कि मैंने सपने में देखा था कि मैं सफाविद के शाह अब्बास से मिला हूं और हमारी आपस में बढ़िया मुलाकात हुई है, भेंट हुई और हम एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। एक्चुअल में दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, मगर ये जो सीन पेंट करवाया है एक इंडिकेशन है कि मुगल्स जो है इनके साथ में रिश्ते बना के रखना चाहते थे, रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे। कांधार को लेकर बोन ऑफ कंटेंशन था ठीक है, मगर उसको लेके अब ये नहीं है कि आप बच्चों की तरह लड़के बैठ जाओ, बाकी रिश्ते वगैरह मीठे या मधुर मुगल्स कम से कम रखना चाहते थे, ये अपने को यहां से समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अंपायर आता है वो है आपका ऑटोमन्स का, ऑटोमन अंपायर जिसको हम लोग सल्तनत उस्मानिया भी बोलते हैं। तो ये जो सल्तनत उस्मानिया थी या फिर जो ऑटोमन अंपायर था, इनके और मुगलों के रिलेशनशिप दो बातों के ऊपर बेस्ड थे। पहला तो ये कि आपकी जो टेरिटरीज हैं ऑटोमन अंपायर के कंट्रोल में जो टेरिटरीज हैं, यहां से हमारे जो व्यापारी वगैरह हैं उनको आप फ्रीली गुजरने दो,
इसके अलावा जो हमारे तीर्थ यात्री यहां पर जाते हैं, जो पिलग्रिम्स वगैरह जो आपकी टेरिटरीज वगैरह से होकर जाते हैं, उनको आप जाने दो। खास तौर पे जो हिजाज का इलाका है, हिजाज का इलाका जो आपके कंट्रोल में है, वहां से आप जो है हमारे यात्रियों को और हमारे तीर्थ यात्रियों को खास तौर पे आप निकलने दो। हिजाज बेसिकली वो पोर्शन था जो आज की तारीख में सऊदी अरेबिया में आता है। ये इस इलाके में आपके मुस्लिम्स के जो दो होली साइट्स हैं, एक आपका मक्का और दूसरा मदीना, ये दोनों शहर जो हैं हिजाज के इलाके में आते हैं। बाद में ये इलाका आपका सऊदी अरब के कंट्रोल में चला गया, आज सऊदी अरेबिया में आता है। मगर मुगल्स के टाइम पीरियड में इस इलाके को हिजाज बोला जाता था और ये आता था आपके ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में या फिर टर्किश एम्पायर के कंट्रोल में, और इसको आप सल्तनत उस्मानिया भी बोल सकते हैं। तो इस इलाके में क्योंकि अब मुस्लिम की होली साइट्स पड़ती हैं, तो मुगल्स का कहना यह था ऑटोमन वगैरह के साथ में कि बस हम दो चीजें चाहते हैं, हमारे व्यापारियों को आप अपने इलाकों से निकलने दो, उनको छेड़ो नहीं, परेशान मत करो, और दूसरा ये कि हमारे जो तीर्थ यात्री आते हैं हिजाज के इलाके में, मक्का मदीना अगर जाते हैं, तो उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर जो मुगल अंपायर था और ऑटोमन्स के साथ में जो इनके रिलेशनशिप्स थे, इनकी इन डिमांड्स के अलावा मुगलों ने एक चीज करी थी, इन्होंने आपका जो मजहब है उसे और व्यापार जो है उसको मिला दिया था, और उसकी मदद से ये लोग एक खास तरीके की डिप्लोमेसी जो है वो किया करते थे। ये लोग करते ये थे कि इंडिया से जितने भी आपके वैल्यूएबल मर्चेंडाइज वगैरह हैं, महंगा महंगा जो सामान है, उसको एक्सपोर्ट किया करते थे। यमन में दो आपके पोर्ट्स हैं, एक है आपका एडन का पोर्ट और एक है मोखा का पोर्ट। मैं आपको इस फोटोग्राफ दिखाऊंगा इसकी, ये जो दोनों पोर्ट्स हैं यहां पर ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल सामान वगैरह जो है एक्सपोर्ट किया करते थे और वहां पर इनको बेचा जाता था। अब इनको बेचने से जो भी कमाई होती थी, मुगल स्टेट अपनी तरफ से जो भेज रहा है, व्यापारी जो अपना नॉर्मल लेकर जा रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मुगलों ने अपनी तरफ से, मुगल अंपायर ने, मुगल आपकी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ महंगा महंगा सामान यहां से एक्सपोर्ट किया, उसको भेजा कहां पर, यमन में दो पोर्ट्स पे, जिनकी फोटोग्राफ में आपको दिखाऊंगा, एक है आपका पोर्ट ऑफ एडन और दूसरा है पोर्ट ऑफ मोखा। यहां पर ये सामान मुगलों ने भेजा, इसको भेज के फिर यहां पर इसको बेचा। इसको बेचने के बाद में अब जो भी कमाई वगैरह होती थी इन पोर्ट्स पर, इनको बेचने पे जो भी आपने कमाई हुई, इससे जो पैसा आपको मिलता था वो सारा का सारा आप चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। हिजाज के जो इलाके हैं वहां के आपके जो रिलीजियस मेंस और श्राइन्स हैं उनके ऊपर, और ये जो आपका एदन और मोखा के आसपास में अगर कोई रिलीजियस श्राइन्स वगैरह पड़ती थी, तो ये बोल के कि ये चैरिटी मुगलों के द्वारा की जा रही है, आप इसको वहां पर किया करते थे। इससे होता यह था कि मुगलों की गुडविल बनती थी ऑटोमन के बीच में, वहां पर रहने वाले लोगों के बीच में, कि भाई ये तो बहुत अच्छा अंपायर है और ये आपका मजहब के लिए इतना कुछ करते हैं, इतना सारा चैरिटी कर रहे हैं, इतना दान करते हैं, ये सारी चीजें थी। तो एक गुडविल जो है वो बनी हुई थी। ऑटोमन्स बदले में ये करते थे कि जो इनके पिलग्रिम्स आ रहे हैं उनको कोई छेड़खानी नहीं होती थी, और जो यहां पर इनके व्यापारी वगैरह जा रहे हैं इनके इलाकों से, ऑटोमन्स उनको नहीं छेड़ा करते थे। तो ये एक डिप्लोमेसी जो है बहुत बढ़िया लेवल पर आपकी मुगलों के द्वारा ऑटोमन्स के साथ में खेली जा रही थी। बाद में हालांकि औरंगजेब को यह पता चला कि ये जो सामान भेजा जाता है जिसको बेचने के बाद में उससे होने वाले पैसे को आप वहीं पे चैरिटी में इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में करप्शन वगैरह किया जा रहा है, तो उसके बाद में उसने ये बोला कि अब से मैं ये करूंगा कि जो सामान बेचा है मैंने वहां पर और जो मैंने पैसा कमाया है उसको अब मैं अरेबिया में खर्च नहीं करने की बजाय उसको वापस लेकर आऊंगा इंडिया, और इंडिया में खर्च करूंगा और इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया जाएगा। इस तरीके से यहां पर औरंगजेब ने थोड़ा सा बदलाव करवाया, बट मोर ऑर लेस ऑटोमन्स के साथ में इनके रिलेशनशिप्स बहुत बढ़िया बने हुए थे। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एडन और मोखा कहां पर है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है ये वो पूरा आपका अरेबियन पेनिनसुला का मैप है। नीचे की तरफ में यमन है, आज की तारीख में नीचे की तरफ में यमन है, ऊपर सऊदी अरब है या ओमान है, यहां से आपका अफ्रीका शुरू हो जाता है, ये रेड सी है, ये आपका गल्फ ऑफ एडन है। तो ये जो मैं रेड कलर से पॉइंट आउट कर रहा हूं यहां पर, ये जो मैं रेड कलर से अभी पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये आपका गल्फ ऑफ एडन है, ये आपका पोर्ट ऑफ एडन है और ये आपका पोर्ट ऑफ मोखा है। ये जो आपका मोखा का पोर्ट हो गया और ये जो एडन का पोर्ट हो गया, इन दोनों पोर्ट्स वगैरह पे मुगल क्या कर रहे थे, इन दोनों पोर्ट्स पे मुगल आपका काफी ज्यादा आपकी मर्चेंडाइज वगैरह जो है इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल मर्चेंडाइज को भेजा करते थे। मतलब ये नहीं है कि वो अपने व्यापारियों से बोल रहे हैं कि तुम जाके वहां पे अपना सामान बेचो और उससे होने वाले जो भी आपने कमाया उससे आप चैरिटी कर दो, ऐसा नहीं हो रहा था। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग अपना मुगल कोर्ट जो है, मुगल गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से ये पैसा वगैरह लगाकर महंगा महंगा इंपॉर्टेंट मर्चेंडाइज जो है वो सामान भेज रही है वहां पर मुगल कोर्ट के नाम पर, जो है उन सामानों को इन दोनों पोर्ट्स पे बेचा जा रहा है। इनको बेचने के बाद में जो कमाई होती है उसका जो भी पैसा वगैरह है फिर वो लोग हिजाज के इलाके में भेजते थे, मक्का मदीना में जो इनकी इंपॉर्टेंट जगहें हैं वहां पर जो होली श्राइन्स हैं या फिर वहां पर जो आपके होली मेंस वगैरह थे उनके ऊपर चैरिटी वगैरह ये लोग किया करते थे। इससे होता यह था कि मुगल एम्पायर के लिए और मुगल्स के लिए काफी ज्यादा गुडविल बनी हुई थी। उस गुडविल का नतीजा ये था कि ऑटोमन एम्पायर के राज में आपके चाहे व्यापारी जाते हो मुगल इंडिया से या फिर आपके चाहे
मैं पिलग्रिम्स वगैरह जाते हूँ, उनको ऐसा कोई दिक्कत वगैरह कभी नहीं आई। ये जो एक शानदार डिप्लोमेसी आपने रिलीजन और कॉमर्स को मिलाकर की थी, इसका मुगलों ने काफी ज्यादा फायदा उठाया है। तो इस तरीके से आपके ऑटोमन्स के साथ में बढ़िया जो रिलेशनशिप्स वगैरह हैं वो बने हुए थे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं जेसुइट्स एट द मुगल कोर्ट। अब मुगल कोर्ट में जो जेसुइट्स थे उनके साथ में मुगल्स की क्या रिलेशनशिप्स थे, या फॉर टू बी स्पेसिफिक अकबर के साथ में क्या रिलेशनशिप्स थे, हम लोगों को उसके बारे में बातचीत करनी है। तो ये जो टॉपिक है जेसुइट्स एट द मुगल कोर्ट, इसमें सबसे पहले हमको ये जो जेसुइट शब्द है इसका मतलब तलाशना पड़ेगा। जेसुइट्स का मतलब होता है आपके जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग होते हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज कहलाते हैं, इनको ही कई बार जेसुइट्स वगैरह कहा जाता है। तो जेसुइट्स जो थे वो क्रिश्चियन मिशनरीज कह सकते हैं, या फिर क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, या फिर जिस तरह से हमारे जो लोग होते हैं आपके रिलीजियस मेंस होते हैं उसी तरीके के इनके भी जो रिलीजियस मेंस होते हैं उनको आप जेसुइट मान सकते हैं, जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अब ये जो जेसुइट मिशनरीज थे या जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जब ये लोग मुगल कोर्ट में आए या फिर अकबर के साथ में इनका इनका इंटरेक्शन वगैरह हुआ, तो इन्होंने इसके काफी सारे रिकॉर्ड्स वगैरह छोड़े हैं। और ये जो है पहला यूरोपियन रिकॉर्ड है या फिर सबसे शुरुआती यूरोपियन रिकॉर्ड है जिसमें अकबर के कोर्ट या फिर मुगल कोर्ट के बारे में कोई बात को रिकॉर्ड किया गया। जैसे यहां पर एक किताब है द मुगल बादशाह जेसुइट ट्रीटाइज ऑन एम्परर जहांगीर कोर्ट एंड हाउसहोल्ड। अब ये बेसिकली उन सारी किताबों के संकलन में से एक है जो आपके जो क्रिश्चियन मिशनरीज मुगल कोर्ट में आए, उन्होंने मुगल दरबार में जो भी फंक्शनिंग देखी उसके ऊपर उन्होंने लिखकर तैयार किया था। तो सबसे शुरुआती यूरोपियन रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए जिनमें मुगल कोर्ट का जिक्र आपको देखने को मिलता है, तो वो किसके द्वारा लिखे गए थे, वो क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा लिखे गए थे, जिनको जेसुइट भी कहा जाता था। हुआ ये था कि जब आपके डायरेक्ट सी रूट की डिस्कवरी हो गई हिंदुस्तान तक, एक आपका जमीनी रास्ता था जिससे यूरोपियन इसलिए नहीं आ सकते थे क्योंकि बीच में सेंट्रल एशिया वगैरह में ऑटोमन एम्पायर बैठा हुआ था और उन्होंने यूरोपियंस की एंट्री को बैन कर रखा था, तो आप जमीन के रास्ते इंडिया आ नहीं सकते थे। मसालों का व्यापार वगैरह जो था उसमें अरब ट्रेडर्स वगैरह जो हैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे क्योंकि यूरोप में इंडियन मसालों की बहुत डिमांड थी। अब इन्होंने फिर कोशिश ये करी कि आपने डायरेक्ट एक सी रूट जो है वो ढूंढ लिया। वास्को डी गामा ने 1498 में अल्टीमेटली एक डायरेक्ट सी रूट जो है यूरोप से लेकर इंडिया तक के लिए ढूंढ लिया। जब 15 सेंचुरी के एंड में 1498 के आसपास वास्को डी गामा ने जब ये पूरा का पूरा सी रूट ढूंढ के तैयार कर लिया, उसके बाद से पुर्तगाली जो है काफी मात्रा में यहां पे आने लगे। पुर्तगीज मर्चेंट यहां पे खूब आए, उन्होंने बकायदा जो आपका वेस्ट कोस्ट है वहां पर एक नेटवर्क खड़ा कर दिया ट्रेडिंग स्टेशंस का, और साथ ही साथ यहां पे ये लोग मिलिट्री स्टेशंस भी बाद में बनाने लगे थे। कोस्टल सिटीज में ट्रेड वगैरह जो है काफी मात्रा में होने लगा। अब इसी वक्त में जो पुर्तगाली राजा था, जब उसको ये पता चल गया था कि आपका ट्रेड रूट वगैरह एस्टैब्लिश हो गया और खूब कमाई हो रही है इंडिया से मसालों वगैरह से, तो उसने अब बोला कि एक काम करते हैं, अपन लोग अपना जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी वगैरह इसका भी प्रोपेगेशन वगैरह करते हैं। और इसके लिए फिर उसने यहां पर मिशनरीज वगैरह को जेसुइट्स वगैरह को भेजना शुरू किया। फाइनली आपके जो क्रिश्चियन मिशन वगैरह हैं इंडिया में 16 सेंचुरी में आते हैं, एंड इन्होंने आने के बाद में अब यहां पर जो पुर्तगाली ट्रेड कर रहे थे साथ ही साथ इन्होंने भी अपना छोटा मोटा एक अंपायर बनाना शुरू कर दिया था, गोवा वगैरह के इलाके पे कब्जा करने लगे थे। इन सारी चीजों में क्रिश्चियन मिशनरीज जो है ये भी शामिल हो गए और लोगों को कन्वर्ट वगैरह करने में भी इन्होंने अपना एक रोल जो है अदा किया था। बाद में अब जब इनका एक ठीक ठाक प्रेजेंस हो गई, इनकी एक ठीक ठाक जो है मौजूदगी हो गई गोवा में, इनका कुछ इलाका वगैरह इन्होंने अपने हिस्से में ले लिया और वहां से ट्रेड वगैरह भी हो रहा है, पोर्ट भी आपका वहां से जो है आपका ट्रेड वगैरह भी हो रहा है और चीजों को ये दूसरी चीजें भी कर रहे हैं, लोगों में अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कन्वर्ट भी कर रहे हैं, वहां पर बकायदा आपका इस तरीके की व्यवस्थाएं हो रही हैं कि आगे जाके वो मिलिट्री वगैरह के स्टेशन भी बिल्ड करने लगते हैं, ये सारी चीजें आपकी चल रही हैं। इसी बीच में अकबर बादशाह जो थे उनको पता चलता है इन लोगों के बारे में। अब वो जो थे वो क्रिश्चियनिटी के बारे में जानने में बहुत क्यूरियस थे क्योंकि अकबर का एक रुझान जो है अलग अलग धर्मों को जानने के बारे में अपनी 1580s के आसपास जो है होने लगा था, 1890s तक आते आते उनको ये चीज होने लगी थी। तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में जानने के लिए वो बहुत क्यूरियस थे, तो उन्होंने अपने कुछ एम्बेसी के लोगों को भेजा, अपने कुछ लोगों को गोवा भेजा, और जो आपके आपके जो जेसुइट प्रीस्ट वगैरह हैं, जो क्रिश्चियन पादरी वगैरह हैं, इनको उन्होंने मुगल कोर्ट में इनवाइट किया, उन्होंने न्योता दिया कि भाई आप जो हैं यहां पर आइए और मैं आप लोगों से आपके धर्म के बारे में जानना चाहता हूं। तो फाइनली पहला जो जेसुइट मिशन है जो मुगल कोर्ट पहुंचा वो पहुंचा था 1580 में फतेहपुर सीकरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1580 फतेहपुर सीकरी पहला आपका जेसुइट मिशन जो है मुगल कोर्ट में जाता है। इसको जो लीड किया था उन पादरी का नाम था पादरी रुडोल्फ,
एक्वा विवा, ये इसके लीडर थे, ये इस जेसुइट मिशन को लेकर गए थे। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इसमें ये आपके अकबर बादशाह बैठे हुए हैं, मुगल दरबारी दूसरे बैठे हुए हैं, आपके जो शहजादे हैं वो बैठे हुए हैं, ये दो लोग बैठे हैं शायद वो किसी दूसरे रिलीजन के हैं, और ये जो दो लोग बैठे हुए हैं ये आपके क्रिश्चियन पादरीज हैं या फिर ये जेसुइट्स वगैरह हैं जिनको अकबर ने बुलाया था रिलीजन के बारे में जानने के लिए। अब उनके साथ आपस में चर्चा परिचर्चा वगैरह जो है वो कर रहा है, इस फोटोग्राफ में आपको दिखाया गया। तो ये जो पहला आपका जो जेसुइट मिशन आया था जिसको अकबर ने अपने कोर्ट में इनवाइट किया था, ये लोग यहां पे लगभग 2 साल तक रहे थे, 1582 में ये लोग यहां से निकले थे। अब इनके साथ में अकबर की काफी बातचीत होती थी, तो ये अकबर को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते थे, और साथ ही साथ जो आपके मुस्लिम उलेमाज वगैरह हैं उनके साथ में बैठकर क्रिश्चियनिटी और जो आपका इस्लाम है उनके बारे में, उनकी वर्च्यूज वगैरह के ऊपर डिस्कशन डिबेट्स वगैरह किया करते थे। एक तो ये मिशन आया था 1580 से 1582 के बीच में, इसके बाद में दो और जेसुइट मिशन्स जो हैं वो भेजे गए थे, एक 1591 में और 1595 में। इस वक्त बादशाह जो थे लाहौर बैठे हुए थे, तो ये मिशन्स वगैरह यहां पर भी गए थे इनके साथ में। इस तरीके से कुल मिला के 3 जो हैं जेसुइट मिशन्स मुगल कोर्ट में भेजे गए हैं, और इन लोगों के साथ में जो भी डिबेट डिस्कशन हुई उसका भी अकबर के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा कि उसका धर्म से मन उठ गया, और उसने अपना वो काफी हद तक अथीस्ट भी हो गया था, और उसके बाद में उसने अपना खुद का जो दीन इलाही है वो शुरू कर दिया था। खैर, तो अब ये जो है इन लोगों का यहाँ पे जो प्रेजेंस है, ये जो आपके जेसुइट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद थे, इन लोगों ने इनके प्रेजेंस वगैरह में जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह छोड़े हैं वो एक इंपॉर्टेंट दस्तावेज इसलिए है कि मुगल क्रॉनिकल्स वगैरह में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी बातें आपको देखने को मिलती हैं मुगल क्रॉनिकल्स में, उन चीजों के बारे में उनको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। जेसुइट्स ने जो अकाउंट अपना छोड़ा है उसमें जो भी बातें आपको मुगल कोर्ट के बारे में देखने को मिलती हैं और जो मुगल क्रॉनिकल्स में आपको बातें देखने को मिलती हैं, इनको आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जनरल कंडीशंस वगैरह कैसी क्या थी आपको उसके बारे में सही एक अंदाजा मिल जाएगा। एक और यहाँ पे फोटोग्राफ है, इसमें बेसिकली बताया गया है कि जेसुइट्स वगैरह जब मुगल्स के आपके आतिथ्य में थे, जब मुगल्स वगैरह की हॉस्पिटैलिटी इंजॉय कर रहे थे, तो वहां पे किस तरीके से रहा करते थे, क्या अलग अलग काम करते थे, क्या ड्रेसेस वगैरह पहनते थे, क्या चीजें हो रही थी, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। मगर मोर ऑर लेस जेसुइट्स का जो अकाउंट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मुगल्स का क्रिश्चियनिटी के साथ में किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है एक चीज, और इनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसके पर ये किस नजर से जो है मुगल अंपायर को देखा करते थे दूसरी चीज, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो रिकॉर्ड इन्होंने छोड़ा है और जो रिकॉर्ड मुगल क्रॉनिकल्स में देखने को मिलता है उसे क्रॉस चेक कर आप काफी सारी चीजों की ऑथेंटिकेशन वगैरह जो है कर सकते हैं। इसमें जेसुइट्स का जो रिकॉर्ड वगैरह वो काफी ज्यादा हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। इस सेशन में हम लोगों ने ये देखा है कि मुगल्स के उस वक्त के जो दूसरे आपके प्रोमिनेंट एम्पायर्स थे उनके साथ में किस तरीके के रिलेशनशिप्स थे, और लास्ट में फिर हम लोगों ने ये देखा कि यूरोपियंस के साथ में फिर जो मुगल्स का कॉन्टैक्ट हुआ वो किस तरीके से हुआ और उसका फिर बादशाह अकबर के ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ा, क्या बातों का ध्यान रखा जाता था इन कॉन्टैक्ट्स में, अंपायर्स आपस में एक दूसरे के साथ में किस तरीके से बिहेव करते थे, डिप्लोमेसी कैसे खेली जाती थी और किन बातों का ध्यान रखा जाता था, अगर किसी बात को लेके बोन ऑफ कंटेंशन कोई चीज़ बनी हुई है तो उसके बाद भी रिश्तों का उसके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता था या नहीं पड़ता था, ये सारी बातें हम लोगों ने देखकर इस पर्टिकुलर सेशन में खत्म करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि अकबर का जो है रिलीजन को लेके किस तरीके का एक पर्सपेक्टिव था, वो कैसे मैच्योर हुआ और किस तरीके से अकबर जो है उसका वो एक सर्टेन नए तरीके के रिलीजन की तरफ गया और उसका उसके अंपायर पे किस तरीके का असर पड़ा। इस टॉपिक को देखने के साथ ही फिर हम लोग इस चैप्टर के कंक्लूजन की तरफ नेक्स्ट अपने सेशन में बढ़ेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर और लास्ट लेक्चर और लास्ट सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बिफोर दैट मैं आप लोगों से आई वुड बी टेकिंग योर लीव, बट खत्म करने के पहले आई वुड अगेन इन्फॉर्म यू ऑल कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स की आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, 100% आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 2 लेक्चर्स दिखाए जाएं और फिर बोला जाए बचे हुए के लिए आप पेमेंट करें, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक लेक्चर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, और आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारी प्रिपरेशन यहाँ पर हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आपको हमारे सारे लेक्चर्स वगैरह जो है एक्सेस करने को मिलेंगे, बढ़िया तरीके से इनको रिकॉर्ड किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि आपको कमी महसूस ना हो किसी भी तरीके की, आपके सारे डाउट्स क्लियर हों और आप इसको उसी तरीके से फील कर सकें कि आप रियल क्लास में बैठकर इनको पढ़ रहे हैं। सो इसी नोट पे मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, पढ़ते रहें, फोकस्ड रहें। थैंक यू, जय हिंद।